नमस्कार प्रणाम, मैं आपका लोक गायक अमित चौधरी। आज लॉकडाउन के लगभग 5-6 महीने पूरे होने को जा रहे हैं। आज की महफिल, संगीत की महफिल, आप सभी के नाम, दोस्तों के नाम, ये लाइव मन में आया कि आज आपको कुछ सुनाऊं। पहले तो मेरा प्यानो सुनो। आपके समक्ष रखता हूं। आज लॉकडाउन में हमारे कुछ कलाकारों ने अपने अपने बिजनेस बदल दिए, बहुत लोगों ने अपना बहुत कुछ बदल दिया। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा तो हम पहाड़ पलट देंगे। हिंदी साहित्य खड़ी बोली मां हिंदी के बहुत अच्छे कवि हुए श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कविता में कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, बिना करे कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, पार्थ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बिना कर्म करे तो फल कभी नहीं मिलता। कर्म अल्प है और फल आपको ज्यादा चाहिए, कैसे होगा? चमत्कार हमेशा नहीं होते। पंडित जी ने एक बात कही, आइए इस रागनी को सुनाता हूं। हे मानव तू कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। Thank you.
छोटा बड़ा उम्र से नहीं होता, कर्म से होता है। पंडित जी ने कहा कह दिया, इसके जोड़े का कंगन लाकर दो,
से खाना पीना बंद, आत्महत्या करूंगी, मरूंगी। राजा ने पंडित को बुलवाया और पंडित को कहा, इसके जोड़े का कदन 24 घंटे के अंदर ला कर दे, नहीं तो तेरा जन बच्चा को फिलवा के मरवा दूंगा। LKW आउट पंडित जी, क्या करे? गंगा जी जाए, पत्नी गंगा मैया देगी नहीं देगी, चिट्ठी कर रखी है। हाथ जोड़ के सर पे बल भागा भागा रविदास के पास गया, बोला भाई मेरे कुड़वे को बचा ले। सारी कहानी रविदास को बताई, हाथ जोड़ के पैरों में पड़ के बोला, आपके भक्त रविदास, तेरे परिवार की जान तेरे हाथ में है, अगर गंगा जी जाऊंगा कितना समय लगेगा? 24 घंटे का समय मिला है, कुछ कर। लेख बताते हैं संत रविदास ने गंगा मां का स्मरण किया, जूतियां गाड़ता था, जूतियां चमड़े की, एक कठवत होता है कठवत, उसमें चमड़ा भिगोया जाता है नरम करने के लिए, उसमें गंदा पानी होता है। रविदास ने गंगा मां का स्मरण किया, उस गंदे पानी में हाथ डुबोया और दूसरा कंगन निकाल के दे दिया, पंडित जी जाओ बचा ले कुंडे को, लेकिन कभी दगा मत करना। उस दिन कहावत बनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज नहीं।